नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र माली, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौरी फ्लूटिस्ट पर। तो आज बात कर रहे हैं अपन सरगम की। बांसुरी में सरगम किस प्रकार बजाई जाती है और सरगम होती क्या है। तो ये मेरे पास फ्लूट है सी शार्प, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले लीजिए। तो करना क्या है, सरगम होती क्या है। सरगम फर्स्ट जो होती है वो होती है सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ओके, तो इसे आरोह और अवरोह दोनों को मिलाकर एक सरगम बनती है। तो एक बार आरोह अवरोह फर्स्ट सरगम बजा के दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ किस प्रकार बजती है। ये फर्स्ट सरगम है। कुछ लोग क्या करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा बजा लिए फर्स्ट सरगम, सा नी धा पा मा गा रे सा ये सेकंड सरगम। ऐसा नहीं है, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा ये फर्स्ट सरगम है। तो इसे बजाने कैसे, फर्स्ट और क्लोज करेंगे, सा की आवाज आएगी, रे सेकंड और ये ओपन कर देंगे, रे गा मा हल्का सा इसे ओपन करेंगे, मा पा, पा दो तरीके से बजा सकते हैं, एक तो ऐसा पा, सेकेंड ऐसा पा ऊपर वाला फर्स्ट खोल के। आपको जैसी फिंगरिंग करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये फर्स्ट सरगम है। सेकेंड सरगम में दोस्तों, दूसरी सरगम जो है इसमें दो दो बार प्ले करना रहता है हर एक नोट्स को। जैसे अभी बजाए अपन ने फर्स्ट सरगम में सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसमें सेकंड सरगम में सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। तो आपको बजाना किस प्रकार है, जैसे सा रे गा मा बता रहे हैं उनको दो दो बार प्ले करना है। आरोह और अवरोह में प्ले करेंगे। ओके, आप इसे अलग प्रकार से भी प्ले कर सकते हैं, जैसे कि जैसे सा बजाएंगे आप दो बार बजाना है, अभी इस प्रकार बजा रहे थे। आपको करने का इसको टेप करना है, सा सा रे रे गा गा ऐसे इस प्रकार। ओके, अब थर्ड सरगम। थर्ड सरगम में होता क्या है, थर्ड सरगम में यह होता है इसे तीन तीन बार प्ले करते हैं। आप ये मत सोचिएगा फोर्थ सरगम में चार चार बार पांच पांच बार, फोर्थ सरगम अलग है, थर्ड सरगम की बात करते हैं। थर्ड सरगम में क्या है, तीन बार प्ले करना है, सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा सा। देखिए इसे अलग प्रकार से प्ले कर सकते हैं, जैसे मैंने दो दो बार टेप करना सिखाया वैसी थर्ड बार में भी टेप कर सकते हैं, जैसे सा सा सा। अभी कैसे बजा रहे थे, तीन बार फूंक मार रहे थे, अब इसको टेप कर सकते हैं, इसे अलग बजाना है आपको।
बांसुरी पर अपन ने तीन सरगम सीख लिए, सारे गा पा धनी से सानी दापा मगर ऐसा सा सा रे रे गा गा दो टाइम और थ्री टाइम सा सा रे 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 गा गा गा, ये अपन ने सीख चुके हैं। और आगे की सरगम सीखने के लिए आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, आपके अपने चैनल इंदौरी फ्लूटिस पर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। मैं आपका दोस्त जितेंद्र माली, धन्यवाद।